हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास, ऑल मंजरी वेलकम यू ऑल इन द क्लास। हरे कृष्णा। तो हमने एक बहुत ही अच्छी बुक कंप्लीट की, श्री प्रभुपाद की अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। और आज हम जो है श्री प्रभुपाद की एक और बुक है मुकुंद माला श्लोक, इसको हम पढ़ेंगे। और ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें राजा कुलशेखर जो है एक वैष्णव है और उन्होंने अपनी प्रेयर्स के माध्यम से भगवान के बारे में हमें जानकारी दी है। तो आइए इस भूमिका को पढ़ते हैं और इस बुक को हम कंटिन्यू करते हैं। ओम अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं तदान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आप भूमिका शुरू कीजिए, आस्था पढ़ना शुरू कीजिए बेटा। जी माता जी। भूमिका राजा कुलशेखर द्वारा रचित मुकुंदमाला श्लोक परम ईश्वर उनके भक्तों तथा उनकी लीलाओं के पवित्र स्थलों के गुणगान में लिखे गीत सैकड़ों काव्यमय संस्कृत स्रोतों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध सदाबहार स्रोत है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके रचयिता ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु श्लोकों की माला के रूप में इसकी संकल्पना की थी। ये समस्त वैष्णव संप्रदाय के लिए दीर्घ काल में अत्यंत प्रिय ग्रंथ रहा है और हमारे आध्यात्मिक गुरुवर श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्राय इसके कुछ रुचिकर पदों को उद्धृत करने में आनंद लेते हैं। राजा कुलशेखर भगवान विष्णु के दिव्य प्रियतमा श्री के द्वारा प्रस्थापित वैष्णव संप्रदाय श्री संप्रदाय से जुड़े थे। इस संप्रदाय के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिनिधि रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में नाथपुरी तथा यमुनाचार्य जैसे अपने पूर्ववर्तियों के ग्रंथ अनुसार इस संप्रदाय का सृजन किया और श्री वैष्णव मत के क्रमबद्ध दर्शन की स्थापना की। किंतु ये आचार्य आलवन नामक योग सिद्धि कवियों की पहले से चली आ रही प्राचीन परम्परा के अंग थे। समय समय पर दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु के ही क्षेत्र में 12 आलवार प्रकट हुए थे। श्री वैष्णवों की परंपरा के अनुसार सबसे पहले के आलवार 5000 से अधिक पूर्व वर्ष पूर्व अर्थात आधुनिक कलयुग के प्रारंभ के समय विद्यमान थे, जबकि सर्वाधिक प्राचीन आलवार ईसा के प्रथम सहस्त्र शब्द में विद्यमान थे। आलवारों का संपूर्ण तमिल काव्य तिरुवाई मोली नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया था, जिसका सम्मान श्री वैष्णव जन अपनी भाषा के वेद में रूप में करते थे। तिरुवाई मोली में वर्णित भक्ति प्रमाण के आधार पर सारे श्री वैष्णव जन अपने आप को उभय वेदांत के अनुयायी मानते हैं। ऐसे द्वैत वेदांत दर्शी जो संस्कृत तथा तमिल दोनों भाषाओं के शास्त्रों पर आधारित है, कुछ आलवार आदर्शभूत सन्यासी थे। इनमें से तीसरी आलवार आंडाल नामक स्त्री थी और तीन आलवार शासन चलाते थे। इनमें से दसवें आलवार कुलशेखर पेरुमाल हुए, जो मलेनाडु आज तक केरल के चेर वंश के शासक थे। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि वे 9वीं-20वीं शताब्दी में रहे होंगे। गौरी पढ़ेंगे। राजा कुलशेखर का परंपरागत इतिहास बताता है कि एक बार जब वे अपने महल के कक्ष में सो रहे थे तो उन्हें भगवान कृष्ण का तेजोमय तथा सुस्पष्ट दर्शन हुआ। जागने पर वे भक्तिवश समाधिस्थ हो गए और वे यह नहीं जान पाए कि सुबह कब हुई। राजकीय गायक तथा मंत्रीगण सदा की भांति उन्हें जगाने के लिए उनकी देवड़ी पर आए, किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा करने पर कोई उत्तर न पाकर अनिच्छा से उनके कक्ष में प्रवेश करने का साहस जुटाया। तब राजा की समाधि टूटी और उन्होंने उन सभी को अपने कृष्ण दर्शन करने की बात बताई। उसी दिन से शासन करने में उनकी रुचि घटती गई। उन्होंने अपना अधिकांश उत्तरदायित्व मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में लग गए।
कुछ वर्षों बाद उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और श्रीरंगम चले गए, जहां वे रंगनाथ के कृष्ण अर्चा विग्रह तथा उनके उत्कृष्ट भक्तों की संगति में रहते रहे। कहा जाता है कि श्री रंगम में ही कुलशेखर ने अपने दो महान ग्रंथों की रचना की। यह संस्कृत में मुकुंदमाला स्तोत्र तथा 105 तमिल स्तुतियां, जिन्हें बाद में पेरुमाल पेरुमली शीर्षक से त्रुवाई मोली में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार अन्य आलवार की योगिक रहस्यवादी अभिव्यक्तियां हैं। उसी तरह राजा कुलशेखर अपने ग्रंथ पेरुमाल पेरुमली में भगवान रामचंद्र तथा भगवान कृष्ण के अंतरंग भक्तों में से राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा माता देवकी एवं वृंदावन की कुछ युवा गोपियों के चरित्रों का अनुकरण करते हैं, किंतु महाराज कुलशेखर ऐसे युग भक्ति रसों की अनुभूति करने में कोई गर्व नहीं जताते। इसके विपरीत वे बारंबार दीन भाव से ही यही याचना करते हैं कि उन्हें उस स्थान में जहाँ भगवान कृष्ण लीलाएं रखते हैं पक्षी मछली या फूल के रूप में अगला जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे वे उनके भक्तों की संगति का आनंद ले सके। यद्यपि मुकुंदमाला स्तोत्र उत्कृष्ट संस्कृत में रचा गया है, किंतु यह कृष्ण के प्रति राजा कुलशेखर की सहज भक्ति तथा अन्य सभी के साथ अपने सौभाग्य को बांटने की उत्सुकता है। इस तरह से अत्यंत लौकिक स्थिति होने से यह अंतरंग रहस्यों घटनाओं रहस्योद्घाटनों में या द्रुह दार्शनिक सहेलियों में प्रवेश नहीं करती। स्तोत्र परंपरा के अधिकांश अन्य ग्रंथों की तरह इसका लक्ष्य किसी कथा वस्तु को समुपस्थित करने की अपेक्षा ईश्वर के प्रेमी की सही सही भावनाओं को पूरी सत्यता तथा स्पष्टता के साथ व्यक्त करना है। हम पाठकों को इतने विवरण से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए दुर्लभ अवसर है। जब राजा कुलशेखर जैसे महान भक्त अपने हृदय को इतनी उन्मुखता के साथ खोल रहे हैं और ऐसी शैली में जो हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है, जिससे अपनी अपूर्णताओं के बावजूद हम इसे सराह सकें। आगे पढ़िए। प्रस्तुत संस्करण के विषय में 1895 में भक्ति विनोद ठाकुर ने संस्कृत में जो संस्करण प्रकाशित किया था, उसी का उपयोग करते हुए श्रील प्रभुपाद ने 1950 के उत्तरार्ध में मुकुंदमाला स्तोत्र का अनुवाद करना आरंभ किया, किंतु 6 श्लोकों का अनुवाद और भाष्य पूरा करने के बाद इसे रोककर वे श्रीमद् भागवत के कार्यों में जुट गए। इसके बाद उन्होंने इसे फिर कभी हाथ में नहीं लिया। फिर भी उनकी यह स्पष्ट इच्छा थी कि मुकुंदमाला स्तोत्र प्रकाशित किया जाए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीनों खंडों में के प्रारंभ में अपनी अन्य अंग्रेजी पुस्तकों की सूची में इसे भी सम्मिलित किया था। 1989 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के गवर्निंग बॉडी ने सत स्वरूप दास गोस्वामी से मुकुंदमाला स्तोत्र को पूरा करने का अनुरोध किया। श्रील प्रभुपाद के सबसे पुराने शिष्यों में से एक सत स्वरूप दास गोस्वामी विगत वर्षों में उनके सर्वाधिक विद्वान तथा साहित्यिक अनुयायी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। यह संघ की मासिक पत्रिका बैक टू गॉडहेड के पश्चिमी देशों से प्रकाशन की अवधि में लगभग 23 वर्षों तक संपादक रह चुके थे और कई पुस्तकें भी लिख चुके थे, जिनमें से श्रील प्रभुपाद की जीवनी के 6 खंड सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने यह कार्य सहर्ष स्वीकार किया और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के संस्कृत संपादक श्री गोपी परांधन दास से मुकुंदमाला स्तोत्र के 47 श्लोकों का अनुवाद करने में सहायता ली। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत सावधानी से स्वयं तात्पर्य लिखे, जिनमें प्रायः श्रील प्रभुपाद कृत भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत एवं अन्य ग्रंथों से उदाहरण दिए। इस तरह यह पुस्तक तैयार हुई और हमें विश्वास है कि यह भक्तों विद्वानों तथा सामान्य जनों के लिए समान रूप से सूचनाप्रद होगी। प्रकाश तो, हाँ,
तो आप देखिए ये जो बुक है जिसके जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसकी भूमिका पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले अगर हम उसकी भूमिका पढ़ते हैं या फॉरवर्ड पढ़ते हैं तो हमें उस बुक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो हम सही एंगल तो देख पाते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति जो बुक पढ़ता है वो अपने एंगल से वो बुक को देखता है। तो दिस इज नॉट राइट परसेप्शन टू सी द बुक। तो हमें इस बुक के ऑथर के अनुसार दृष्टि करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा कुलशेखर के बारे में बताया गया, क्योंकि इस बुक को राजा कुलशेखर ने लिखा है, इनके जो श्लोक है। और राजा कुलशेखर के जो श्लोक है, आप देखेंगे कि जो हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में जो सिद्धांत या प्रिंसिपल श्री प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं, जो हमें आचार्यों से प्राप्त हुई है, वही सिद्धांत को राजा कुलशेखर भी फॉलो करते हैं। इसलिए पता चलता है कि वो कितने बड़े भक्त हैं। राजा कुलशेखर ने मुकुंद वनाश्रोत परम ईश्वर भक्त और उनकी लीलाओं के पवित्र स्थल को गुणगान करने के लिए लिखा है। और ये इतना खूबसूरत श्लोक है, अगर आप अभी हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कितने सुंदर सुंदर श्लोकास और उन्होंने लिखा है ना, और उसके मीनिंग है, उनकी सारी टीकाएं हैं। और वो जो श्लोक जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं, वो एक एक श्लोक एक एक फूल माला के बराबर है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि कुल 53 श्लोक हैं, तो 52 जो श्लोक है वो जो है एक एक माला है दोनों साइड गले में, और जो 53 वाला श्लोक है वो लॉकेट की तरह बीच में रहता है। ठीक है, तो 52 का हाफ कितना होता है? 26 वेरी नाइस पूनम, थैंक यू। तो 26 एक साइड है, 26 एक साइड श्लोक है, और बीच में जो 53 श्लोक है वो एक लॉकेट, आपने देखा होगा ना माला गारंट देखा होगा, तो उसमें एक नीचे एक अच्छा सा लॉकेट होता है बढ़िया है ना माला के बीच में, तो वो 53 श्लोक जो है वो लॉकेट की तरह है। तो उन्होंने अपने श्लोकों के माध्यम से भगवान को माला अर्पण की। तो मुकुंद माला श्रोत, राजा जो कुलशेखर है वो भगवान मुकुंद को एक माला ऑफर कर रहे हैं, वो श्लोकों की माला है। ठीक है, तो उनके जो पद है वो भी बहुत सुंदर है, आप लोग देखिएगा उसे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। हम लोग इसके 10 श्लोक ही कवर करेंगे। और राजा कुलशेखर भगवान विष्णु की दिव्य प्रियतमा श्री के द्वारा प्रस्थापित वैष्णव संप्रदाय से जुड़े। तो हम लोग जानते हैं कि ऑथराइज 4 संप्रदाय है ना, एक तो हमारा अपना संप्रदाय इस्कॉन है जो कि ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। दूसरा संप्रदाय है 4 कुमार का संप्रदाय। इस संप्रदाय में भी अगर हम शिक्षा लेते हैं भगवान के बारे में सही नॉलेज मिलेगा। इसके बाद 3rd संप्रदाय आता है, वो है रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय से भी अगर हम नॉलेज लेते हैं तो वो भी भगवान के बारे में हमें सही राय देते हैं। उसके बाद आता है निम्बकाचार्य का जो संप्रदाय है वो 4th संप्रदाय है जिसमें हम ज्ञान ले सकते हैं। तो राजा कुलशेखर जो थे वो देख रहे हैं कि रामानुज आचार्य श्री संप्रदाय से रिलेटेड थे, और श्री संप्रदाय ज्यादातर डोमिनेंट है दक्षिण भारत में, श्री रंगनाथ जी के टेम्पल में वहां पे ज्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, महंत होते हैं, ऐसे ही दक्षिण भारत में अलवार्स होते थे, समझ में ना, अलवार्स होते थे, उनको भगवान का भक्त कहते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते थे अलवार्स। तो ये जो अलवार्स से कहा जाता है कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब से है एक एक अलवार्स है ना। और इसमें बताया गया है कि वो सभी अलवार्स जो थे भगवान के भक्त है, उन्होंने अलग अलग रचना की है भगवान के बारे में, उन्होंने आध्यात्मिक जानकारी लोगों को समय समय पर दिया है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि समय समय दक्षिण भारत में आज भी तमिलनाडु के क्षेत्र में अलवार प्रकट हुए थे, और वैष्णव परंपरा में सबसे पहले अलवार 5000 साल प्रकट हुए थे जो कि कलयुग के प्रारंभ के समय। और जो अभी रिसेंट की जिन अलवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ईसा के शाह ने वो विद्यमान थे। तो ये जो अलवार है इन्होंने जो तमिल काव्य लिखा था इसका नाम था तिरुवाल्य मौली, इसका ग्रंथ का नाम है। और इसमें उनकी जो रचनाएं हैं और चीजें हैं उनको संग्रहित किया गया है।
और ये जो है उभय वेदांत को मानते हैं। इसमें क्या होता है, द्वैत दर्शन प्रेजेंट किया जाता है इसमें, जैसे तमिल भाषा में होता है और संस्कृत भाषा, इन दोनों को मिला के उसको रेफरेंस किया जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि कुल अलवार जो थे वो लगभग सन्यासी थे, लेकिन ऐसे जो तीन अलवार थे, तीसरे नंबर पे जो अलवार आते थे वो एक स्त्री थी, और वो भी बहुत भगवान की भक्त थी। उन्होंने भी भगवान के काफी श्लोकाज हैं और भगवान के बारे में बुक लिखा हुआ है। लेकिन दसवें जो अलवार थे वो राजा कुशेखर थे, और आज मेलुनाडु यानी आज जो केरल में चेर वंश के शासक थे, और ये नौवीं शताब्दी में थे राजा कुशेखर। और बहुत अच्छे भक्त थे, वो अपने साम्राज्य की भी बहुत अच्छी भक्ति करते थे, सॉरी देखभाल करते थे। तो एक बार राजा जो थे वो अपने महल में सो रहे थे, तो उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। वो सुबह मतलब रात का पहर बताया जाता है, थर्ड फोर पहर। और राजा जब सुबह उठते हैं, राजा लोग पहले जब उठते थे तो उनको उठाने के लिए मतलब कुछ गायक आते थे, तो हमेशा की तरह सारे मंत्रीगण और लोग आए हुए थे राजा को उठाने के लिए और गीतों को गाने के लिए। लेकिन राजा बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो उनको अजीब लगा और उन्होंने अंदर जाने का मतलब साहस किया। जब वो अंदर गए तो जब भगवान उनको दर्शन दे के चले गए थे उस समय, लेकिन वो उसी तरह समाधि में ही थे राजा कुशेखर, क्योंकि भगवान के अद्भुत दर्शन करके, श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत दर्शन करके वो भाव विभोर थे। तो जब ये लोग एंट्री करते हैं उनके कमरे में, तो राजा कुशेखर की समाधि टूटती है और अपने भाव दशा को उनको व्यक्त करते, किस तरह वो भगवान को देखे, भगवान कैसे सुंदर दिखते हैं, उनकी कैसी छवि है, और सारा नॉलेज भी उनके हृदय में भगवान ने प्रकाशित कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने जब उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तो उनकी जो सिंहासन में रुचि या राज्य करने में रुचि जो है घटने लगी। तो ये हमेशा ही होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी जो सांसारिक रुचि है अपने आप कम हो जाती है। धीरे धीरे राजा ने मतलब अपने अच्छे मंत्री जो थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, उनको अपना राज्यपाट सौंप दिया और वो श्रीरंगनाथ क्षेत्र में आके वहां पे अपनी भक्ति शुरू की। और उन्होंने मुकुंद वाला श्लोक लिखा है, और उन्होंने एक और बुक लिखी है जिसमें कि 105 तमिल भाषा में भगवान की स्तुतियां हैं। वो पेरुमल तिरुमौली शीर्षक से तिरुवाल्यमौली में सम्मिलित किया गया है। मैंने पहले बताया उनके ग्रंथ है तिरुवाल्यमौली, उसमें राजा कुशेखर के और भी तमिल भाषा में भगवान के सारे श्लोक मौजूद है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो राजा रामचंद्र की इसमें उन्होंने स्तुतियां की हैं उसमें, और उनके भक्त हैं दशरथ वगैरह, इनके बारे में उन्होंने काफी अच्छे से बताया। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ कृष्ण की लीलाएं हैं, तो मछली फूल के रूप में वो चाहते थे कि भगवान के धाम में उनको मतलब उनको जन्म मिले, तो लता पुष्प लता मछली कुछ भी बना दे भगवान, लेकिन अपने धाम में रखे ताकि हम उनके दर्शन कर सके। तो इतने एलिवेटेड होने पर भी वो कभी भी अपने विद्वत्ता का या भगवान के दर्शन का वो बहुत घमंड नहीं करते थे। अभी हमारे पास कोई चीज हो जाए या कोई महाराज का लेटर आ जाए या हमें कोई घटना घट जाए, तो हम ढिंढोरा पीट पीट के और क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज लगा लगा के, फेसबुक पर फोटो लगा के उनको ढिंढोरा पीटते कि देखिए मेरे साथ ये घटना घटी। लेकिन जो रियल वैष्णवाज होते हैं वो बहुत दीन होते हैं। कल गुरु महाराज का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आ रहा था, आप लोगों ने देखा था सन्यासी पोस्ट कार्ड्स, उसमें जो राजानाथ महाराज के डिसाइपल हैं चैतन्य चरण दास प्रभु जी, वो इंटरव्यू ले रहे थे गुरु महाराज का। तो इंटरव्यू लेते समय उन्होंने एक प्रश्न पूछा महाराज से कि गुरु महाराज जी, अरे सॉरी महाराज, आप जिस तरह से महाराष्ट्र का श्री प्रभुपाद ने आपको देखा कि डिपार्टमेंट दिया कि महाराष्ट्र में आप कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार कीजिए, तो आपकी वजह से कितना कुछ प्रचार हो पाया, इतने टेंपल बन पाए, और आप जैसे कितने हिंदू जो हैं आज इन चीजों को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनके ध्यान में काम किए, तो आप अपना प्रतिक्रिया बताइए। तो महाराज चुप थे, महाराज ने कुछ नहीं बोला, महाराज ने कहा कि ये मेरा नहीं, ये पांडुरंग के कारण। और तो सी द ह्यूमिलिटी, सी द ह्यूमिलिटी,
तो हम वैष्णव जन के ह्यूमिलिटी ये सब सीखना चाहिए कि भक्ति जो करते हैं या बहुत कार्य करते हैं वो ज्यादा किसी से कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी ओरिजिनल पोजीशन का ज्ञान रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की तरफ से हो रहा है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से राजा कुलशेखर भी थे, इतने एलिवेटेड थे लेकिन वो कभी शो नहीं करते थे, लेकिन अपने अपने जो प्रेयर्स में उन्होंने बार बार वो ही रहस्यों के भक्ति के वो ही रहस्यों को प्रकट किया है और दीनता व्यक्त की है कि भगवान आप हमें कुछ भी बनाइए लेकिन अपने से दूर मत कीजिए और सदैव अपनी भक्ति में मुझे लगाए रखती। तो श्री प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि इस तरह जो पाठक है जो हम जो पढ़ेंगे इसको, तो हम भी जब इसको पढ़ेंगे तो इनको रैलिश करेंगे। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद ने कहा कि ये बुक जो है ये किसी भी वैष्णव को बहुत ही लाभकारी देगी। और फिर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि 1895 में जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना संस्कृत संस्करण प्रस्तुत किया था, उसी तरह से 1950 में श्री प्रभुपाद जो थे उन्होंने इस कार्य को शुरू किया था। उनको मुकुंदमाला ग्रंथ बहुत पसंद था श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद अक्सर अपने जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता उसमें मेंशन करते हैं मुकुंदमाला श्लोक के, राजा कुलशेखर को मेंशन करते हैं कि वो बहुत सुंदर भक्त थे और उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। तो श्री प्रभुपाद ने ये बुक लिखी और लेकिन उसका 6 श्लोक ही ट्रांसलेशन कर पाए। और हम सब जानते हैं श्री प्रभुपाद का इतना बिजी शेड्यूल था, और फिर उनको जाके विदेश में प्रचार भी करना था, श्रीमद् भागवतम भी लिखना था, तो इसलिए वो बाकी कार्यों में लग गए तो ये ग्रंथ छूट गया। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि इस बुक को श्री प्रभुपाद चाहते थे कि इसको पूरा किया जाए। तो गवर्निंग बॉडी ऑफ कमीशन जो है 1989 में श्री प्रभुपाद के जाने के बाद सत्य स्वरूप दास गोस्वामी, जो कि आपको याद है प्रभुपाद लीलामृत इन्होंने लिखा है, इट इज ही इज वेरी फेमस, सो उनको ये कार्य दिया गया और वो बैक टू गॉड हेड के भी प्रकाशन में संपादक के रूप में कार्य करते थे। तो उनको ये दिया गया कि आप इस बुक को कंप्लीट कीजिए। तो उन्होंने सहर से स्वीकार किया, और क्योंकि ये बुक संस्कृत में थी तो संस्कृत में मीनिंग अच्छे से समझने के लिए उस समय जो भक्ति विद्वान बुक ट्रस्ट के संस्कृत के संपादक हैं श्री प्रभुपाद डिसाइपल थे श्री गोपी परांठन दास, बहुत फेमस है, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं श्री प्रभुपाद का संस्कृत में, जितना भी है सारा सब उन्होंने ही किया है ट्रांसलेशन। तो उनकी हेल्प से उन्होंने ये बुक जो है हमें प्रेजेंट की, और इस तरह से ये जो सुंदर बुक है जिसमें कि भगवान और भगवान की भक्ति और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए या भगवान के क्या रिलेशन है हमारा, हमें क्या कंसंट्रेट करना चाहिए क्या नहीं कंसंट्रेशन करना चाहिए, क्या भक्ति में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इन सब के बारे में उन्होंने अपने श्लोकों में बताया है। तो इस तरह से जब हम ये बुक पढ़ेंगे तो हम सब इन चीजों को रिलिश कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है ये मायावादी के विषय में भी श्री प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेनेशन दी है अपने बरपूत में कि जो मायावादी का दर्शन करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायावाद के विरुद्ध में बताया कि मायावादी होता क्या है, कि वो भौतिकतावादी जो जगत के सुखों में आनंद की अनुभूति पाता है। वास्तव में मायावादी का अर्थ होता है माया का अनुयायी, है ना, जो माया को इम्पोर्टेंट देता है और भगवान को माया ही मानता है, भगवान को सच्चिदानंद रूप में स्वीकार नहीं करता, वो मायावादी होते हैं। और इनके जो मुख्य मायावादी हैं वो शंकराचार्य हैं, वो अद्वैतवाद जो सिद्धांत है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो ये जो सिद्धांत है हम भी भगवान बन सकते हैं, ये सब मायावादी सिद्धांत है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इन विचारों से हमें बच के रहना चाहिए। तो मायावाद के अनुसार कृष्ण सिद्धांत की भक्ति दोनों ही माया, जो मायावादी फिलॉसफी वो कहते हैं भक्ति और भगवान दोनों ही माया है, तो वो मानते कि सारी वस्तुएं एक है और ईश्वर से एकाकार होना ही उनका लक्ष्य। तो वो निर्विशेषवादी हैं, वो समझते हैं कि ईश्वर निराकार है, भगवान तो कोई फॉर्म ही नहीं। श्री प्रभुपाद अलग अलग फिलॉसफी बता रहे हैं भगवान के लिए। मायावादी फिलॉसफी है सब चीज माया मानते हैं, निर्विशेषवादी है वो भगवान के आकार में बिलीव नहीं करते। तो मायावाद के लोगों का ध्यान पुरुषोत्तम भगवान से दूर हटाकर उन्हें एक झूठी आशा दिलाते हैं कि भगवान से वो एकाकार हो जाए। इसलिए
जो सही धर्म है वैष्णव धर्म का प्रचार करना बहुत जरूरी है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए और इन्होंने माया का डट कर विरोध किया और हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा ग्रंथ है उसको एस्टैब्लिश किया। तो परम संत की यही समझ है कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, गॉडहेड है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया है, इस समस्त वैष्णव दर्शन ने भी इसको स्वीकार किया है कि कृष्ण ही भगवान है ना। एते चांस कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद भागवतम डिक्लेयर करता है, धम्म संहिता डिक्लेयर करता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा है जिन्होंने सारी चीज क्रिएट की और भगवान ने उनको फर्स्ट क्रिएशन के रूप में रखा, वो भी यही कहते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। दिव्य सत्य को सर्वोच्च समझ यह ईश्वर पुरुष है और अन्य सारे उनके नित्य दास है। दिस इज द रियल संबंध ज्ञान कि हम कृष्ण के अंश हैं लेकिन हम जो है उनके नित्य दास हैं और भगवान जो है मेन भोक्ता है, भगवान ईश्वर जो है वो कृष्ण है और वो कैसे है, सच्चिदानंद है। जीव में और भगवान में अचिंत भेदाभेद तत्व का संबंध है, इसलिए हमें ईश्वर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी अधीनता में शरण ग्रहण करके भक्ति करनी चाहिए। तो महान वैष्णवाचार्य ने श्री प्रभुपाद ने सदैव मायावाद का विरोध किया और अपने इस भूमिका में आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये बुक जो है ये बुक में भी हमें वैष्णव सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने में मदद मिलती है। तो इसलिए इस ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए और अपनी जो भक्ति को स्ट्रांग करना चाहिए। तो ये अद्भुत ग्रंथ है, आज हमने भूमिका कंप्लीट की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।